घोटाला ही घोटाला है, चौतरफा गड़बड़ झाला है। ऊपर देखो, नीचे देखो, दाएं चाहे बाएं देखो, जहां भी देखो गारंटी है सब कुछ काला काला है। अब तक आप दाल में काला या पूरी दाल काली है जैसी बातें सुना करते थे, मगर आपने पानी में काला कभी नहीं सुना होगा। हमेशा की तरह एक बार फिर से नरेंद्र मोदी सरकार की एक और बड़ी योजना ऐतिहासिक रूप से भ्रष्टाचार की शिकार होती हुई दिख रही है, और बात यहां तक होने लगी है कि ये पूरी की पूरी योजना ही भ्रष्टाचार करने के लिए ही बनाई गई थी। इसका जनता की प्यास बुझाने से कोई सरोकार नहीं था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जल जीवन मिशन की। अभी जो रिपोर्ट सामने आई है वो सवाल कर रही है कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम का मिशन लोगों के जीवन में जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना ही था, या फिर गुजरातियों की जेब में बिना कुछ किए पैसे की गर्माहट को बरकरार रखना असली मिशन था। तमाम अधिकारियों से लेकर जांच करने वाली संस्थाओं तक तथा गुजरात के ठेकेदारों तक जो त्रिशंकु वाला खेल सामने आया है, इसका केंद्र कहां है, इसका जरा पता लगाइएगा पूरी कहानी सुनने के बाद। आजकल मार्केट में जिसे देखो गारंटी बेच रहा है, भले ही उसकी बात की कोई वैल्यू ना हो, बात की कोई गारंटी ना हो, तो आज मैं भी एक गारंटी दे देता हूं ये पूरी वीडियो देखने के बाद कि मोदी सत्ता में योजनाओं के भीतर भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हैं और ये जड़ें किस तरीके से गुजरात और दिल्ली को कनेक्ट करती हैं। ये पूरी तस्वीर जब आप देखेंगे तो स्वतः अपना दाहिना हाथ उठाएंगे, अपनी छाती पर ठोंकते हुए बोलेंगे कि एक अकेला कितनों पर भारी है। उधर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अलग ही राग छेड़ रखा है, और उनकी राग का कोई जवाब न मिलने पर गोदी मीडिया तथा झूठ के दुकानदारों ने वही पुराना रास्ता अपना लिया है। जो इनसे सवाल करे, जो आलोचना करे, जो विरोध करे, वो नकली हो जाता है। राहुल गांधी ने एक नया वीडियो जारी किया है, उसको जरा ध्यान से देखिएगा। इसके अलावा कुछ और मामले हैं जिन पर दनादन स्टाइल में बात करेंगे, मगर उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजिएगा। हर एक वीडियो को लाइक करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यूट्यूब कहता है कि जब आपके दर्शक वीडियो को लाइक करेंगे तभी हम इसको आगे बढ़ाएंगे। इसीलिए यह काम शुरू में निपटा लिया करिए, इसमें आपका कुछ खर्च भी नहीं होता है। लगे हाथ एक गारंटी और दे देता हूं, इस तरह के किसी मुद्दे पर गोदी मीडिया और उसके लपटझंडिसों की हैसियत नहीं है कि चर्चा कर लें, इस पर सवाल कर लें। और उसका कारण सिर्फ एक है, उनकी जेब में जाने वाला पैसा, जिसके खर्चे से उनकी रोटी बोटी चलती है। वो दिन रात उसी के गुण गाएंगे, उसी के इशारे पर नाचेंगे। वो खर्चा इसीलिए दिया जाता है कि इस तरह के मुद्दों को न उठाया जाए। इसीलिए यदि आप चाहते हैं कि आपके मुद्दों पर बात हो, आपके पैसे का हिसाब मांगा जाए, तो अपने खर्चे से हमें चलाइए। इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए हमें आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें, और इससे पहले कि मौका हाथ से निकल जाए स्मार्ट सिटी वाराणसी में जाके फ्री वाले स्विमिंग पूल का मजा ले लीजिए। 10 साल पहले गोई गुजरात से आया था और गारंटी दे रहा था कि काशी को क्योटो बना देंगे। अब क्योटो का हाल ऐसा हो गया है कि जरा सी बारिश क्या हो जाए, क्योटो खांसने छींकने लगता है। देखिए, हल्की सी बारिश में बिलबिला उठा क्योटो। अब आप लोग जब भी विकसित भारत की ऐसी तस्वीर देखा करिए तो ऑटोमेटिक थैंक यू फलाने जी बोल दिया करिए, बार बार याद नहीं दिलाऊंगा। वैसे जब आप वाराणसी की अद्भुत तस्वीर देख रहे हैं तो लगे हाथ ये भी याद दिला दें, पिछले कई साल से मैं वाराणसी के मामले में एक ही बात दोहरा रहा हूं कि मोदी सत्ता ने सिर्फ और सिर्फ दिखावे का काम किया। कुछ नया बनाने, कोई नई चीज लाने से ज्यादा इनका ध्यान बस इस बात पर था कि जो कुछ पहले से है उसी का रंग रोगन कर दो। पुरानी सरकारों के दौरान बनाए गए ओवरब्रिज हो, पानी की टंकियां हो, सब पर साहेब की सत्ता आते ही बढ़िया बढ़िया पेंटिंग बना दी गई और बड़ी बेशर्मी के साथ उन पर स्मार्ट सिटी वाराणसी भी लिख दिया गया। बिजली के खंभों पर भोजपुरी में भूख भाई करके जलने वाली तिरंगा स्टाइल में लाइट लगा दी गई। स्टेशन के सामने झंडा गाड़ दिया गया, यानी सिर्फ वही काम जो दिखे, क्योंकि जो दिखता है वही तो बिकता है, और 10 साल से बिक भी रहा है, 4 बार बिक चुका है। अब अगर मोदी सत्ता ने या फिर डबल इंजन ने वाराणसी के नाले दुरुस्त कर लिए होते, जमीन खोद के ड्रेनेज की व्यवस्था मजबूत कर ली होती, तो फिर वो किसको दिखता? दिखता थोड़ी ना, बाहर से आने वालों को कैसे पता चलता कि वाराणसी में क्या हुआ है। अब आप कहेंगे कि बारिश का जमा हुआ पानी तो दिख ही रहा है, बदनामी तो हो ही रही है, तो टेंशन मत लीजिए। अरे 4 दिन की बरसात है, 4 दिन बाद लोग भूल जाएंगे। हमारे यहाँ लोगों की याददाश्त इतनी मजबूत नहीं होती है भाई। जब लोग 15 लाख भूल गए, 2 करोड़ रोजगार हर साल भूल गए, 100 स्मार्ट सिटी और बुलेट ट्रेन भूल गए, तो ये बरसात क्या चीज है, 4 दिन में इसको भी भूल जाएंगे। वैसे एक बात और समझने वाली है, जहां ये पानी भरा हुआ है और जो पेंटिंग बनाई गई है, देखिए पेंटिंग में नाव चल रही है, यानी पेंटर ने पहले ही आगाह किया था कि जो पेंटिंग बना रहा हूं वैसा ही दृश्य यहां देखने को मिलेगा। इसीलिए बनारस के बच्चे इसी पानी में छपाक छपाक करके गंगा की होम डिलीवरी का आनंद ले रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लिखा है कि यहां पर इतिहास इसी तरह हर बार दोहराता है, प्रधान संसदीय क्षेत्र में क्योटो डुबकी लगाता है। देखिए, इन्होंने भी कह दिया कि हर बार यही स्थिति होती है, 4 दिन में लोग भूल जाते हैं, और नहीं भी भूलेंगे तो क्या कर लेंगे, धर्म खतरे में है भाई, उसको भी तो बचाना है। स्मार्ट सिटी क्योटो देख लिए
लिए हैं, तो चलिए रामराज्य की राजधानी देख लीजिए। देखिए धीरे धीरे घूंघट उठाते हुए रामराज्य कैसे बाहर निकल रहा है, बजाइए ताली और बोलिए थैंक यू फलाने जी। उधर रामराज्य के ही बरेली में लोग सड़क पर धान की रोपाई कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल ने इस वीडियो को शेयर किया है। खराब सड़कों की बदहाली के विरोध में जनता सड़क पर है, बाकी टेंशन की कोई बात नहीं है। उधर रामराज्य की राजधानी में भयंकर रूप से पानी भरा हुआ है और ऐसे में समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल वाले कुछ ज्यादा ही रोमांटिक हो गए हैं और इस वीडियो पर इन लोगों ने गाना लगा दिया है कि तुम्हें बारिश बड़ा याद करती है, आज भी तुमसे दिल की बात करती है। अच्छा, फिल्मी गाने से याद आया, भाजपा सांसद और फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी जी को कहीं देखे हैं क्या? अरे भाई, हमारी कुछ नहीं अटकी है, अटकी है मथुरा वालों की। 30 जून को यहाँ पानी की टंकी गिर गई थी, 3 लोगों की मौत हो गई, 20 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, मगर अब तक सांसद महोदया के दर्शन नहीं हुए। इसे लेकर कांग्रेस के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पीड़ित परिवारों को मुआवजा 5 लाख नहीं 1 करोड़ मिलना चाहिए। हेमा मालिनी का पुतला फूंकने का प्रयास किया जा रहा है, वो तो अच्छा हुआ पुलिस वालों ने पुतला छीन लिया। वैसे इस मामले में मेरा कोई दोष नहीं है, चुनाव के पहले ही मैंने चेताया था, कहा था कि अपना प्रतिनिधि ऐसा चुनिए जो 24 घंटे 7 दिन राजनीति करता हो। अब जाइए खोजिए सांसद महोदया कहां आरओ का प्रचार कर रही हैं, कहां शुद्ध पानी की गारंटी बेच रही हैं। अब शुद्ध पानी की गारंटी से याद आया, ये गारंटी तो कोई विश्वगुरु टाइप के नेता भी दे रहे थे ना। 2019 में वादा किया था कि 2024 तक हर घर में सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध करवा दिया जाएगा। जमीनी हकीकत बता रही है कि अभी इस मामले में दिल्ली बहुत दूर है, लेकिन जिस स्तर का भ्रष्टाचार, घपलेबाजी, गड़बड़ेशन, लापरवाही, कदाचार, ये सब कुछ देखने को मिल रहा है, वो अपने आप में ऐतिहासिक है, विश्वगुरु टाइप का है। वैसे ऐतिहासिक शब्द से साहेब को बड़ा प्रेम है, शायद ही ऐसा कोई भाषण हो जब वो इस शब्द का प्रयोग न करती हो। ऐसा लग रहा है इतिहास बनाने के चक्कर में ये भुला दिया गया है कि इतिहास अच्छी चीजों का बन रहा है या घपले घोटालों का बन रहा है। दवायर के लिए स्वतंत्र पत्रकार राजेंद्र जोशी और रहमत मंसूरी, जो कि पानी और ऊर्जा पर शोध करने वाली संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, इन दोनों ने मध्य प्रदेश से गजब का कच्चा चिट्ठा खोला है। वही मध्य प्रदेश जहां हाल ही में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की जड़ें उखाड़कर अपना झंडा गाड़ दिया और लोकसभा चुनाव में और मजबूत झंडा गाड़ दिया, मगर खाली झंडा ही गाड़ा, पानी की पाइप मजबूत नहीं गाड़ पाए। इन लोगों ने कुछ दिन पहले भी इस मामले में एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें बताया गया कि बुंदेलखंड में हर घर नल से जल पहुंचाने का सरकारी दावा खोखला साबित हुआ, बहुत सारी चीजें सिर्फ कागजों में ही है, जमीन पर बातें आधी अधूरी हैं। और अब इस मामले में अपनी दूसरी रिपोर्ट में इन्होंने और भी बड़ा कच्चा चिट्ठा खोल दिया है, जहां फर्जीवाड़ा और भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा देखने को मिल रही है। कई जिलों की 15 ग्रामीण योजनाओं के दस्तावेजों की पड़ताल इन्होंने की है और पता चला है कि बजट का बड़ा हिस्सा खर्च होने के बावजूद अधिकतर योजनाएं सालों से लटकी पड़ी हैं, लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है। अब आगे की जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं उन्हें टकटकी लगाकर सुनिएगा, जरा भी ध्यान भटका तो आप विश्वगुरु का दर्शन करने का अद्भुत अवसर खो देंगे। जिस कंपनी को पानी पहुंचाने का काम दिया गया था, योजना की टेंडर की शर्तों के अनुसार 6 महीने में काम पूरा होना था, मगर 4 गांवों में पिछले 4 साल से कार्य प्रगति पर है, कष्ट के लिए खेद है, यही चल रहा है। इसी तरह से बड़वानी जिले के 11 गांवों में से 8 में साल 2021 से काम शुरू हुआ, अब तक पूरा नहीं हुआ। 3 गांवों के बारे में कागजों में बता दिया गया है कि लोगों को पानी मिल रहा है, लेकिन गांव में पता चल रहा है कि अभी भी काम पूरा नहीं हुआ, पानी कहां से मिलेगा। कई जगहों पर लोगों की शिकायत है कि जगह जगह पानी की पाइप टूटी हुई है, टंकी भी लीक करती है, यानी काम अच्छे से नहीं हुआ, फिर भी पानी की सप्लाई शुरू कर दी गई। वीडियो में बने रहिएगा, आगे का मामला एकदम विश्वगुरु टाइप का है, जल्दबाजी नहीं करनी है। यहाँ एक बात और है, जिन लोगों ने इस जगह पर इस योजना में काम किया है उनका वेतन भी नहीं मिल रहा है, न तो ठेकेदार पैसा देने की जिम्मेदारी ले रहा है, न ग्राम पंचायतें। अच्छा, एक बात बताइए, भोजन करने के लिए आप पहले भोजन पकाते हैं या फिर टेबल पर थाली, प्लेट, गिलास, चम्मच सब सजा लेते हैं? आप कहेंगे कि ये कैसा सवाल है, तो बिल्कुल सही सवाल है, मुमकिन है योजना चल रही है भाई। ये रिपोर्ट बता रही है कि कई जगहों पर इस योजना के अंतर्गत पहले पानी का जुगाड़ नहीं किया गया, पानी कहां से मिलेगा ये पता नहीं था, पहले पाइप बिछा दी गई, टंकी बना दी गई, बाद में पानी ढूंढना शुरू हुआ कि पानी कहां से आएगा। ये रिपोर्ट बता रही है कि कुछ जगहों पर ऐसी भी स्थिति हुई कि भूमि जल उपलब्ध न होने के कारण 3 बार ट्यूबवेल खोदा गया, संयोग बढ़िया था कि एक जगह पानी निकल गया, नहीं तो बड़वानी के टिटगारिया गांव में पानी की टंकी चाय पीने के काम आती और बिछाए हुए पाइप को गांव के बच्चे काट के गिल्ली डंडा खेल लेते। पंचायत सीरीज का चाय पीने वाला अड्डा तो आपको याद ही होगा। और सुनिए, मध्य प्रदेश के बड़वानी और धार जिले में जल जीवन मिशन की योजनाओं के निर्माण से जुड़ी हुई जो कंपनी है, यानी जिसने ठेका लिया है, वो कंपनी गुजरात की है, नाम है मेसर्स जय खोडियार इंटरप्राइजेज। अप्रैल 2023 में इस कंपनी
कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था। कारण बताया गया कि ये कंपनी बहुत लेट लतीफी करती है, समय पे काम पूरा नहीं करती। मगर ये रिपोर्ट ये भी बता रही है कि अधिकारियों ने बहुत बेमन से इस कंपनी को काली सूची में डाला, यानी मन नहीं कर रहा था, जबरदस्ती कंपनी ने मजबूर कर दिया कि इसको काली सूची में डालना ही पड़ा। लगातार पैसा मिलने के बावजूद लगभग 1.5 साल तक सरकार के अधिकारी कंपनी के ठेकेदारों को समझाते रहे, चेतावनी देते रहे कि भैया कमवा पूरा कर दो। लेकिन गुजरात के ठेकेदार कंपनी की हैसियत देखिए, उसकी पावर देखिए। सरकारी विभाग के अधिकारी दर्जनों पत्र लिखते रहे, मगर गुजरात की कंपनी ने जवाब तक नहीं दिया। अधिकारी फोन मिलाते रहे, गुजराती कंपनी के लोगों ने फोन तक नहीं उठाया। यहां तक कि जिला कलेक्टर ने कंपनी के कर्मचारियों को तलब किया, लेकिन फिर भी कंपनी के लोग जवाब नहीं देने आए। अब यहीं पर एक सवाल उठता है, हालांकि यह सवाल नहीं है, अपने आप में जवाब भी है, कि जब सैया है कोतवाल तो डर काहे का। अरे किसी विभाग के अधिकारी हो या जिला अधिकारी हो या कलेक्टर हो, क्या फर्क पड़ता है? जब आप गुजरात की कंपनी है और गुजरात के लोग ही पूरे देश में सत्ता चला रहे हैं, तो फिर कलेक्टर के लेटर का क्या असर होगा? ये अपने आप में पता लगाने का विषय है कि गुजरात की ये कंपनी किसकी है। क्या इस कंपनी ने भी किसी राजनीतिक दल को मोटा मोटा चंदा खिलाया है? सत्ताधारी दल के किन नेताओं के साथ इनका संबंध है जो इसके कर्मचारी इतने मनमाने हैं, इतने ऐंठ में रहते हैं कि सरकार के अधिकारियों को मजबूर कर देते हैं फिर भी नहीं सुनते? और सुनिए, असली खेला तो अभी बाकी है। अधिकारियों ने बताया कि कंपनी के पास क्षमता से ज्यादा टेंडर हो गया, मगर सवाल तो यह है कि टेंडरवा दिया कौन? अपने से तो मिल नहीं गया होगा, सरकार ने ही या सरकारी अधिकारियों ने ही दिया होगा। क्या टेंडर देने से पहले इन लोगों ने जांचा नहीं कि इस कंपनी की क्षमता कितनी है, कितनी काम कर सकती है? और सरकार की क्षमता तो इतने से ही पता चल जाती है कि कंपनी को इन लोगों ने बहुत सारे पत्र भेजे, चेतावनी दी, मगर कहीं किसी पत्र में किसी कंपनी के कर्मचारी का कोई नाम नहीं है। यहां तक कि ब्लैकलिस्ट करने के लिए जो सुनवाई हुई उसमें कंपनी का प्रतिनिधि कौन था उसका नाम भी नहीं बताया गया है। यानी पूरी तरह से कंपनी के लोगों को सुरक्षित किया गया है, किसी भी कर्मचारी का नाम किस लेटर में सामने नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, घर घर पानी पहुंचाने के लिए प्लास्टिक की पाइप लगाई जाती है, और उस प्लास्टिक की पाइप की गुणवत्ता का निर्धारण करने के लिए सीपेट नाम की सरकारी एजेंसी है जो प्लास्टिक की पाइप को जांच करके बताती है कि प्लास्टिक की पाइप सही है कि गड़बड़ है, लगाई जा सकती है कि नहीं। मगर यहां एक और खेला सामने आया है कि इस सरकारी संस्था का फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर गुजरात की कंपनी ने टेंडर हासिल कर लिया। बाद में जब इनसे सर्टिफिकेट की ओरिजिनल कॉपी मांगी गई तो भौकाल टाइट करते हुए कह दिया कि टेंडर में ऐसा कोई कागज देने का प्रावधान ही नहीं है, और बाद में खुद ही स्वीकार कर लिया कि हां हमने फर्जी रिपोर्ट के आधार पर टेंडर हासिल कर लिया है। अब जाहिर सी बात है, खराब क्वालिटी की पाइप लगाया होगा तभी तो फर्जी सर्टिफिकेट लगाने की जरूरत पड़ी, फर्जी रिपोर्ट दे दिया। बाद में कंपनी ने गलती मानते हुए कहा कि हम 14 गांव में जो पाइप बिछाए हैं उसको अपने खर्चे से बदल देंगे, लेकिन गांव वालों का कहना है कि अब तक ऐसा कुछ हुआ नहीं, यानी खराब क्वालिटी का पाइप जैसे का तैसा लगा हुआ है। यानी गुजरात की एक कंपनी मध्य प्रदेश में आकर ठेका लेती है, मध्य प्रदेश में तो कोई काम करने वाला बचा नहीं है, जैसे उत्तर प्रदेश में नहीं बचा है, देश के अन्य हिस्सों में नहीं बचा है, और देश तो छोड़िए विदेशों में भी नहीं बचा है। तो गुजरात से निकलकर एक कंपनी मध्य प्रदेश में काम करने आती है, फर्जी दस्तावेजों के आधार पर ठेका पा जाती है, और सोचिए डिजिटल इंडिया के युग में जांच करने वाली एजेंसी को पता तक नहीं चलता कि वो जो रिपोर्ट उसने लगाई है वो फर्जी है, फर्जी कागज के आधार पर ठेका ले रहा है। काम पूरा करने का जो समय निर्धारित था उससे 4-5 गुना समय लगने के बाद भी परियोजना अभी तक आधी अधूरी है, गुणवत्ता की ऐसी तैसी हो चुकी है। अधिकारी कर्मचारी खाली लेटरबाजी कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, कहीं कोई असर नहीं है। द वायर की इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि इसे साधारण लापरवाही नहीं माना जा सकता। ऐसी घटनाएं ठेकेदार कंपनियों, निगरानी करने वाली एजेंसियों और अधिकारियों के बीच एक गठजोड़ की ओर इशारा करती है, इसकी जांच जरूरी है। वैसे ये रिपोर्ट तो 3 लोगों को ही गठजोड़ में शामिल कर रही है, मेरे हिसाब से इन 3 के गठजोड़ के ऊपर वाला कोई है जो इन 3 को अपने रिमोट से कंट्रोल कर रहा है। ऊपर वाला कौन है आप समझ गए हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। इस मामले में मध्य प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान विधायक बाला बच्चन कहते हैं कि यह पूरी योजना ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है, इससे किसी ग्रामीण को कोई फायदा नहीं हो रहा है और नहीं होने वाला है। मेरे क्षेत्र में 87 गांव में जल जीवन मिशन की योजना है, मगर सारी की सारी योजनाएं फेल है। वास्तव में ये योजना ग्रामीणों के फायदे के लिए नहीं बल्कि केवल और केवल भ्रष्टाचार करने के लिए ही बनाई गई है। वैसे इस योजना पर एक और गंभीर सवाल है, और वो ये कि इस पर बेतहाशा पैसा लुटाया जा रहा है। एक गांव के सरपंच ने बताया कि जो काम 10 लाख में कर सकते हैं उसी काम के लिए सरकार 78 लाख रुपए खर्चा कर रही है, यानी 8 गुना। इन्होंने इस मामले में बाकायदा उदाहरण देते हुए बताया कि साल 2019 में मात्र 7 लाख रुपए में हमने पाइपलाइन बिछाई थी, वो आज भी चल रही है, जबकि ब्लैक लिस्टेड कंपनी द्वारा बनाई गई योजना जगह जगह टूटी फूटी है। अब बताइए, है ना विश्वगुरु वाला कारनामा, इतिहास बन रहा है कि नहीं? वैसे आप देश के किस राज्य और किस जिले से हैं? आपके गांव में जल जीवन मिशन का क्या हाल है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि देश भर से जल जीवन मिशन को लेकर इतनी सारी शिकायतें सामने आ रही हैं, मगर क्या अब तक गोदी मीडिया के किसी लपड़झंडिस ने
इसे लेकर आवाज उठाई है, वो उठा भी नहीं सकते क्योंकि उनकी ड्यूटी लगाई गई है विपक्ष के नेता या फिर स्वतंत्र पत्रकार या सामाजिक कार्यकर्ताओं या फिर देश की जनता जिस मुद्दे पर बात करे उस मुद्दे को नकली बता दो। जो आदमी सरकार की आलोचना करे उसे ही नकली बता दो। आपने देखा किसानों ने आंदोलन किया तो किसानों को नकली कह दिया, नौजवानों ने अग्निवीर का विरोध किया तो नौजवानों को नकली कह दिया, महिलाओं ने CNRC का विरोध किया तो महिलाओं को नकली कह दिया। अब राहुल गांधी जिन लोगों से भी मिलने जा रहे हैं गोदी मीडिया की नई ड्यूटी के अनुसार उन्हें नकली बताने का काम जारी है। देश में भ्रम फैला दो। पंजाब में एक शहीद अग्निवीर के घर राहुल गांधी गए, कहानी सामने आई कि जो मुआवजा उन्हें मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, तो गोदी मीडिया ने नया प्रोपेगेंडा शुरू किया, शहीद के लाइफ इंश्योरेंस के पैसे को मुआवजे का नाम दे दिया और कहने लगे कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। इसी तरह से राहुल गांधी पिछले दिनों रेलवे के लोको पायलट से मिलने पहुंच गए तो वहां भी किसी पुतले को खड़ा करके कहलवा दिया गया कि वो बाहरी लोग थे। राहुल गांधी ने लोको पायलट से मुलाकात की, पूरी वीडियो शेयर की है, आप खुद ही देखिए किन किन मुद्दों पर बात हो रही है, लोको पायलट की समस्या क्या है और जो आए दिन रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं उनके पीछे का असल कारण क्या हो सकता है उसको जरा महसूस करिए। वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। ब्रेथलाइजर ये क्या है? ये ब्रेथलाइजर अभी करेंगे। अब मतलब आपको अब पैसा मिलना शुरू हो गया? नहीं, हाँ सर, ड्यूटी मेरी स्टार्ट नहीं, मतलब मीटर स्टार्ट हो गया। यस यस सर, यस। तो सबसे बड़ी आपकी मुश्किल क्या है? ड्यूटी आवर्स है सर। ड्यूटी आवर्स, ड्यूटी आवर्स, लॉन्ग ड्यूटी आवर्स, लॉन्ग ड्यूटी आवर्स। एवरेज कितना ड्यूटी आवर्स आता है? 14 घंटा। 14 घंटा एंडलेस, एंडलेस। तो जब आप कहते हो 14 आवर्स, इसका मतलब एग्जैक्टली क्या है? एक दिन में 14 आवर्स, एक ट्रिप में 14 आवर्स। तो मान लीजिए आपने आज शुरू किया, 14 घंटे आपको चलाने, उसके बाद आप रुके, उसके बाद आपको ब्रेक कितना मिलता है? मिनिमम रेस्ट 8 आवर्स। 8 आवर्स और 8 आवर्स के बाद फिर 14 घंटे, फिर 8 आवर्स, फिर 14 घंटे, 14 घंटे रिटर्न टू हेडक्वार्टर में 16 घंटे। बट हाउ कैन यू सस्टेन दिस? ये सस्टेन कैसे किया जा सकता है? मजबूरी है सर, कर रहा है। आपका सर नहीं बढ़ा के? नहीं, मैं समझ सकता हूँ कि ठीक है ये 2 दिन 5 दिन 10 दिन कर दिया, महीनों करते हैं, मगर ये महीनों कैसे करते हैं? महीनों नहीं सर, सालों। ब्रेक आपको कितनी मिलती है? चार महीने में 4 है 30 आवर्स का रेस्ट, 16 है हेडक्वार्टर आने पर, और महीने में 4 को 30 घंटे। साल में आपको कितनी छुट्टी मिलती है? सर छुट्टी मिलती नहीं, छुट्टी अगर कोई लगाता है तो उनको पनिशमेंट मिलता है। ताज़ दे, ताज़ दे, किसी ने लगाया, अगर छुट्टी चलेगी, उनके घर में शादी है, उनके घर में डेथ केस हो गई, तो उनको पनिशमेंट मिलता है, उनको चार्जशीट। बहुत मुश्किल से छुट्टी, बहुत मुश्किल केस है। तब हाई पावर कमेटी ने स्वयं कहा, रेलवे ने, सरकार ने 2013 में हाई पावर कमेटी बनाई, डीपीपी पार्टी कमेटी, उन्होंने रिकमेंडेशन में कहा कि लोको पायलट जो है एक डिस्टिंक्ट डिग्री का स्टाफ है और इसका रेस्ट बहुत कम है, 30 घंटे ही रेस्ट है, ये बहुत ही इनएडुकेट है, मिनिमम 40 आवर्स रेस्ट मस्ट बी गिवन। बट मेन इसका प्रॉब्लम ये होगा कि ये रिक्रूटिंग नहीं करते। यस, हम लोगों को लिए जो पनिशमेंट के लिए HOR रूल बनाया गया है, HOR रूल पनिशमेंट के लिए, इतना टाइट लोकोमोटिव पायलट जी सर, इतना टाइट रूल है सर कि 8 आवर ड्यूटी 12 आवर ड्यूटी हम कैमरे के सर्वेलांस में करते हैं, वो भी अगर एक पैर के ऊपर पैर भी रख लिया ना तो भी हम पनिशमेंट के भागीदार। वो चाय भी नहीं पी सकते उस दौरान? नेचर कॉल के लिए कोई टाइमिंग नहीं है, हम लोग रोक के चलते 4-5 घंटे नेचर कॉल। बट इसका आइडिया क्या है इसके पीछे? आप मानव नहीं है, आप मशीन है, आप मशीन है, मतलब आप इंजन के पार्ट? यस सर, यस, आई एम पार्ट ऑफ लोको। तो ये तो आपको टॉर्चर कर रहे हैं भाई, ये तो बहुत ज्यादा सर, बहुत ज्यादा सर। तो लोकोमोटिव में टॉयलेट नहीं है? नहीं सर, यूरिनल तक नहीं है, यूरिनल नहीं है, टॉयलेट तो सर छोड़ दीजिए, यूरिनल नहीं है। लेडी सर, सर विडंबना ये है कि अब लेडी लोको पायलट है, लेडी लोको, और 8 घंटे रनिंग कंटिन्यूस विदाउट ब्रेक, मतलब लॉजिक क्या है इसका? मशीन है, मशीन है, टॉयलेट ओनली, ओनली ये है कि गाड़ी का इंजन जो है इंजन चेक करने की जरूरत नहीं है। अभी आप ट्रैवल कर रहे हैं तो ऐसे इंजन में जैसे एसी नहीं हो, और उसमें आप देखिए ड्राइवर कैसे वर्किंग, कितनी हार्ड वर्किंग कैसे कर रहा है वो, आप आधा घंटे से ज़्यादा खड़े नहीं हो पाएंगे इंजन में। एक सवाल है, इसमें अगर आप 2-3 चीज़ बदल सकते डिज़ाइन में, डिज़ाइन इम्प्रूवमेंट कर सकते तो क्या करते? क्योंकि सर ये जो इंजन है ये जो आए हैं फॉरेन कंट्रीज से आए हैं, वहाँ का एटमॉस्फेयर इसके लिए अनुकूल था, लेकिन इंडिया में जब टेम्परेचर, ये इंडियन इंजन नहीं है, तो सर जब टेम्परेचर बाहर 45 होता है तो इसमें 6-8 डिग्री टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, और सर अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा आपके डिसीजन लेने की क्षमताओं में कमी आती है। और ट्रेन में एसी होता है? ट्रेन में एसी है, और सप्लाई हम देते हैं, इंजन छोटा सा एसी लगाना है, हाँ सर, लोगों के पास जितने भी है जो उसको ऑपरेट कर रहे हैं वही विदाउट एसी के, चेंज क्या लाएंगे हम सर? ये मतलब कई बार ऐसा होता है यूरिन रोकने से सर कई प्रकार की बीमारियां हो जाती है, पहले फीमेल स्टाफ इतने नहीं था, फीमेल स्टाफ भी रनिंग में बहुत आ रहे हैं,
तो सर उनके साथ बहुत बड़ी समस्या होती है यूरिन को लेकर के। अगर आप ड्राइवर को एसी नहीं दे रहे हो, टॉयलेट नहीं दे रहे, टाइम पर भोजन, सबसे बड़ा रिस्क वही है। यस सर। और सर चार नाइट ड्यूटी, आप रेलवे के अग्निवीर हो। यस सर, अग्निवीर, रेलवे के मजदूर हो आप। सर सर यहाँ तक हर साल हमारे डिपार्टमेंट से 200 से 300 लोग रिटायर हो जाते हैं, दूसरे डिपार्टमेंट में जाते हैं, मतलब वो बीमार हो गए रनिंग कैटेगरी के लिए। फिर मतलब हमारे रेस्ट पे ध्यान नहीं, हमारे सोशल लाइफ पे ध्यान नहीं, हमारा हेल्थ पे ध्यान नहीं, मतलब ये सब चीज़ें सर हमारा जो मानवाधिकार है उसका हत्या हो रहा है। सर घर में संसद में यस आपके इश्यूज उठाऊँ तो अगर तीन बात बोल पाऊँ तो तीन बात क्या हो? सर इंसानों की तरह हमें भी 8 घंटे 9 घंटे में ड्यूटी खत्म करवाएं, और दूसरा सर इंजन इस तरह का हो कि हम इंसान जैसे रहें। 54-55 डिग्री से तापमान में अगर किसी से आप 16 घंटे ड्यूटी कराएंगे तो वो इंसान को नहीं रह पाए। अभी तक रिलीज नहीं किया। दूसरा सर एक ये है कि डेली की अपर लिमिट इनकी डिसाइड नहीं है, ये जितना चाहेंगे उतना काम लेंगे। डेली की अपर लिमिट डिसाइड होता और नाइट ड्यूटी 2 नाइट से ज्यादा ना हो। बेसिकली जो लोकोमोटिव ड्राइवर है, लोकोमोटिव पायलट है, उसको एक ट्रीटमेंट मिल रहा है, और जो दूसरे लोग हैं नॉन मूवमेंट वाले उनको दूसरा ट्रीटमेंट, और रेलवे का पूरा बजट का फायदा उधर जा रहा है, आपको कुछ नहीं मिल, यही है। जबकि हम लोग ट्रेन चलाने में पूरा जिम्मेदारी हम ही का। आपको डर लगता है कि ये प्राइवेटाइज कर देंगे? हो रहा है। हमारा यूपीएससी में जा रहा है अभी पैसा, भविष्य सिक्योर नहीं है सर, इसलिए ओपीएससी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हम लोग बार बार आंदोलन करते हैं, लेकिन उस आंदोलन को दबाने का पूरा प्रयास किया जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। ओके, थैंक यू।